रास्ता दिखा दे या खुदा। तुम्हें नौकरों के हवाले करना था तो तुम्हारी शादी क्यों करवाती? तुम्हारे बाप के घर में भी नौकर थे, किसी नवाब की औलाद हो तुम? क्या हुआ है? तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बहन इस वक्त उठकर मुझे नाश्ता करवा रही है, उसका फर्ज तुम्हें, और तू यहाँ मजे से सो रही है। आप क्या कह रहे हैं? आप गलत बात कह रहे हैं। तो क्या करूँ? हाँ, तेरे जैसी औरत का क्या करूँ जिसकी याशी की ख्वाहिशें नहीं खत्म हो रही। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? चल तुझे दिखा दो तुमने क्या किया। चल चल इधर मेरे साथ, चल खाता हूं तुझे, तूने क्या किया। इमरान, मैं आपके लिए ना लंच बॉक्स भी पैक कर रही हूँ क्योंकि आप सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं। चलो देख देख, ऐसी होती है बीवियां मेरी बहन के जैसी। वासे वासे, नाश्ता करवा के तुम। हमाद, हमाद, ये ले। क्या? हलवा। हलवा? अरे वाह भाई, देखो। अरे इतना सा? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये नियाज है, मोहल्ले में बांटने के लिए बनाई है। मैंने दुआ की है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द आपकी नौकरी हो जाए। तो क्या हो गया, पहला हक घर वालों का ही होता है ना, और वैसे भी बांटने की क्या जरूरत है। हमारी ये नियाज है, इसको बांटा जाता है। तो क्या फर्क पड़ता है घर वाले खाएं या बाहर वाले खाएं, एक ही बात है। ठीक है, घर वालों ने ये खा लिया ना, बाकी आप बांट कर आए। मैं बांटने के लिए बाहर जाऊंगा। मैं कोई नहीं जाने वाला, अम्मा को कह दो। और वैसे अम्मा जाएंगी तो उन्हें पूरे मोहल्ले की खबरें मिल जाएंगी। कैसा आइडिया, अम्मा को दो। बहुत बुरा आइडिया है। अब आप जाएं फौरन से, उठें और देकर आएं हलवा। पता क्या है, जिद करने की क्या जरूरत है। और तुम पता है, जो बीवियां जिद करती है ना, वो जहन्नमी होती है। डरो इस बात से। सही कह रहे हैं, मगर मैं तो जिद कर ही नहीं रही, तो बस छोटी सी फरमाइश कर रही हूँ। अब क्या आप छोटी सी फरमाइश भी मेरी पूरी नहीं कर सकते? इतना तो हक है ना मेरा। बड़े हाथ जता रही हो। तो अब आपके मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। हाँ कर तो सकता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान, लेकिन एक बात याद रखना, पहली दफा कर रहा हूँ और आखिरी। समझ आई? बिल्कुल समझ आई। ठीक है, अब चलें, फटाफट उठें, ये लेके जाएं और ये मुझे दें, और आके अदब से चम्मच से खाएगा। ये किसी और को मत देना, ये मैं खाऊंगा। किसी को नहीं खिलाऊंगी, चम्मच से खाएगा, आदाब से। जाए आदाब से। देखो मेरा भाई है गुस्से का तेज, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जो वो सोचता है ना, वो मुंह पे बोल देता। अतीला बाजी, आप खुद मुझे बताएं मैं उनको किस तरह हैंडल करूं। मैं कैसे बताऊं कैसे हैंडल करो? खिलौना तो नहीं है ना कोई कि उसे चाबी दोगी तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। कभी कभार मुझे भी नहीं समझ में आता वो क्या सोच रहा है। छोटी सी बात को वो अफसाना बना के घर सर पे उठा लेता है और कभी कभार बड़ी से बड़ी बात को हंस के टाल देता है। वो ना बचपन से ही गुस्से का थोड़ा तेज था। मूड स्विंग्स होते थे उसके, पता भी नहीं चलता था कब क्या कहते का। ये जो तुम सब देख रही हो ये हमारे माँ बाप हमारे लिए छोड़ के नहीं गए थे। ये सब कुछ वासे ने खुद बनाया और हमने भी उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, बड़ी मेहनत मुशक्क़त से ऐसा बनाया। देखो जो वो चाह रहा है, जो उसकी मर्जी है वो तुम कर लो, उसके रंग में ढल लो तुम भी। तुम कोशिश करो कि तुम उसको राज़ी रखो। देखो जब मेरा भाई गुस्से में चीखता है, चिल्लाता है, मुझे लगता है जैसे वो खुश नहीं है। थीला बाजी, आप मुझसे कसम ले लें, मैं कोशिश करती हूँ कि उनका पूरा ख्याल रखूं, इसी तरह उनको खुश रखूं, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ होता है और डोर जैसे मेरे हाथ से निकल जाती है। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई परवीन आओ, बड़े दिनों बाद चेहरा दिखाया, बैठो चाय तो बस। आपसे एक काम था। हाँ बोलो। हम आज हलवा देने आए थे ना, तो मेरी मियाँ को बहुत पसंद आया, कहने लगे कि कल मिलाद में हलवा ही रख लो। लो जी, अब मोहल्ले के घर के मिलाद के हलवे भी हमारे ही खर्चे पे बना करेंगे। सुन रहे हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके खर्चे पर क्यों बनवाऊंगी मैं हलवा? मेरे शोहर ने मुझे पैसे देकर भेजा है। अरे परवीन, हमने घर में क्या रफाई अदारा खोल रखा है? मैं भी ऑर्डर ही देने आई हूँ। आजकल बड़े बड़े घरों की लड़कियां यही कारोबार करती हैं, घर में खाना पका पका कर लोगों को देती हैं। फिर बताओ, बनाओगे हमारे मिलाद के लिए हलवा? मैं जी जरूर। ये लो। अरे इतने प्यार से कह रही है तो पकड़ लो ना पैसे। शुक्रिया। हमाद, जल्दी उठ जाए ना, देर हो रही है। मात उठ जाए जल्दी। मात उठे ना, देर हो जाएगी, हलवे का सामान लाना है। यार सोने क्यों नहीं देती तुम? और मुझे नहीं कोई शौक तुम्हारे साथ जाके बाजारों में ख्वार होने का। चुप करके अम्मा को जाके पैसे देके आ जाओ, वो ले आएंगी। अब ये शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मेरी खुशी के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकता ना मैं, सोने दो। प्लीज ना, प्लीज मेरी खातिर। तुमने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा लिया। मासूम आदमी के साथ गलत कर रही हो यार, ऐसे थोड़ी करते। गलती तो नहीं कर रही, बल्कि गलत को सही करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ पे शॉप्स का नहीं पता। तो अम्मा को ले जाओ, इसलिए तो कह रहा हूँ। नहीं ना, अम्मा के साथ नहीं जाना मुझे, अपने मियाँ के साथ जाना। मियाँ के साथ जाने एक कपल बनके? ये तो बड़ा मजा आएगा। अम्मा, भाभी, मोहल्ले वाले, ये हमें ऐसे देख के जलकर राख नहीं हो जाएंगे? तो जाना बनता है। हाँ? चल। पक्का? हाँ हाँ। चले? नहीं, शुक्रिया। हो गई ना पूरी? जी। पक्की बात है? जी। मेरे को कुछ रह गया ना तो मैं नहीं लेने के लिए आऊंगा। नहीं, सब कुछ हो गया 100%। वाह, मुझे दो। अरे कोई बात नहीं, पहले कहा होता इतना भारी सामान उठाया हुआ। ये तो मैं पकड़ लेती हूँ। अच्छी है, 3 फ्लेवर है। देखे किरण, वालेकुम अस्सलाम। आओ। क्या हुआ, हलवा पसंद नहीं आया? पैसे वापस लेने आई हो? अरे नहीं, कदर ने तो बहुत अच्छा हलवा बनाया था, सबको बहुत पसंद आया, सब तारीफें कर रहे थे। ये तो तुम्हारी नंद है ना, वही नागन चुरंगी वाली? जी, शरीक तो मिलाद में होने के लिए आई थी, लेकिन कदर के हाथ का जायका ही नहीं आखे चलाया। परसों इनके बेटे की मंगनी है और ये चाहती है कदर खाना बनाए। सारा नमक किसी में डाल दिया क्या? मैं दूसरा बनाकर लाता हूँ आपको। तो जाओ जाकर बनाकर लो, शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जान, सुबह सुबह इस तरह हस्बैंड को नाराज नहीं करते हैं। मैं अभी लाती हूँ। क्या हुआ? यू ओके? क्या? ओहो वासे, तुम भी ना हलकान कर दिया। इधर आओ, संभालो इसे, जल्दी से आओ। कमरे में लेके जाओ, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। तुम ठीक हो ना? आराम से। अच्छा। लो जी, चांद चढ़ा दिया तुम्हारी भाभी ने, लगता है। अब करो खिदमतें। वारिस के आते ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेगा तुम्हारा लाडला। हरगिज़ नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। अब कैसी तबीयत है? Congratulations in advance. She is expecting. वैसे मज़ीद कॉन्फर्मेशन तो रिपोर्ट आने के बाद होगी। वैसे तो सब ठीक है, बट शी इज़ सो वीक। आपने इनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और कुछ विटामिन्स प्रेस्क्राइब कर रही हूँ, वो आपने इनको ज़रूर देने हैं बाकायदगी से। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इसका ख्याल मैं खुद रखूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। अल्लाह मेरे भाई को चांद जैसा बेटा दे। बिल्कुल इसकी तरह गबरू और खूबसूरत होगा मेरा भतीजा, देखना। खबरदार जो तुमने इसको अब डांटा, इसका ख्याल मैं खुद रखूंगी। तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आज तुमने खुश कर दिया मुझे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अम्मी से मिलने ले जाएंगे आप मुझे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. कुल मिला के पूरे 22 ऑर्डर हैं। एक एक याद है मुझे। वाह क्या बात है, थैंक यू। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया है। एक बात कहूँ, सच बताऊं तो अगर आपका साथ ना होता ना, तो ये रजिस्टर अभी तक खाली हो। सिर्फ ये रजिस्टर नहीं, मेरी जेब भी खाली हो। मुझ जैसे निकम्मे और निखट्टू को तुमने काम पर लगा या उसे पैसे कमाने पे लगा। आप भी ना क्या बातें करते हैं। नहीं ये सच, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में हीरो की जिंदगी बदलती, लेकिन तुमने मेरी तकदीर बदली जिस तरह कोई हीरोइन बदलती है ड्रामा। ऐसा कुछ नहीं सही। और एक और बात बताऊं, ये पीला रंग तुम पे बहुत जचता है। थैंक यू। आपको पता है आप ही ने तो लेने को मना कर दिया था। जब मैं ले रही थी तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आपको ये अच्छा लगेगा, तो मैंने लिया। बिल्कुल ठीक लगा। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह मियां आप दोनों को ये खुशी मुबारक करे। अरे दुनिया बहुत ही हसीन इयररिंग्स पहने हुए हैं। अम्मी वासे ने अभी दिलाए हैं रास्ते में। अरे माशाल्लाह, अल्लाह मियां खुशियों के साथ पहनना नसीब करे मेरी बेटी को। चलो बैठो बैठो जल्दी से, बस तुम दोनों बैठो, मैं अभी खाने के लिए लेकर आता हूं। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग है जरूरी। नहीं नहीं बस 5 मिनट लगेंगे, मैं अभी आई। अब रहने देना, जाकर समझाओ, मुझे ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग है मेरी। पास से प्लीज रुक जाना, थोड़ी सी देर की तो बात है। ऑफिस से फोन भी आ रहा है। अच्छा मैं रुक जाता हूँ, अभी चाय के लिए मना करो, शाम को पिक करने आऊंगा तब बैठ जाएंगे। अच्छा मैं कहती हूँ। हेलो हाँ हाँ, मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंचूंगा। सनी के बच्चे, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। तुम कब आए हो यहाँ, और आने के बाद फोन क्यों नहीं किया मुझे? कैसी हो? कल रात ही पहुंचा हूं मैं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आया हूँ। सोचा था सुबह उठते ही तो मैं कॉल करूंगा, और देखो दिल को दिल से राह होती है, तुम बिना कहे ही आ गई। अरे वासे से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई ना, ये वासे है। सलमान आई एम सो सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ सका। एक्चुअली मैं लाहौर में जॉब कर रहा हूँ और जॉब भी नहीं है तो छुट्टियाँ मिल नहीं सकी थी। तो अब कैसे मिल गई? नहीं, छुट्टी अभी भी नहीं मिली। एक्चुअली कंपनी के साथ एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? मजा आ रहा है तुम्हें वहाँ? बहुत अच्छी जा रही है जॉब। और खाला कैसी हैं? उनसे इतने दिनों से मेरी बात नहीं हुई। बहुत मिस कर रही है तुम्हें। वैसे बाय द वे तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ, ना मेरी शादी पर आए ना मुबारकबाद के लिए फोन किया। मैं तो बात ही नहीं करी तुमसे। अच्छा ना बाबा, आई एम सॉरी। एक्चुअली वासे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, काफी देर से जाना चाह रहे थे, बहुत लेट हो रहे थे। तुम बैठो ना, आओ। भाई कदर, ये फिर कहाँ जा रहे हैं? हमने जोड़िया बाजार नहीं जाना था सौदा लेने के लिए? आज हम सौदा नहीं लेंगे, आज हम शॉपिंग करेंगे। चले भाई। सर बात तो सुनो। कदर मेरी बात सुनो, जो हमने पैसे बचाए हैं वो सारी बचत का कबाड़ा हो जाएगा। और वैसे भी वो मैं लंडे से कपड़े पहन लेता हूँ, काम चल जाता है। क्यों? मेरे शोहर लंडे के कपड़े क्यों पहने? दूसरों के उतरे हुए। जब थोड़े बहुत अल्लाह ताला ने पैसे दे दिए तो नए कपड़े क्यों ना खरीदे? चले ना प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी जगह? महंगा नहीं है, बस चले अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे। हाँ सर, आपका ऑर्डर रेडी है। ओह, कितने हो गए? 1000 रुपीज। कि आपका वॉलेट मेरे पास रह गया था, पे करके आ जाओ। थैंक यू। यू वेलकम। छोड़ने की बहुत कोशिश की। ये रही तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। जब मैं वापस आऊं ठीक है। वेरी नाइस। नूर को बताने की हिम्मत नहीं हुई। याद है ये मूवी? हाँ, आपने कितनी सारी दफा देखी है ये। कौन अपनी जमीन और अपने पैरों पर खड़ा और कौन आसमान। क्या हुआ? तो शायद बस यूं समझ लो कि इतनी इज्जत की आदत नहीं। बचपन से लेके आज तक मुझे तो नहीं याद कि अम्मा ने कभी मुझे नए कपड़े लेके दिए हो। और जब से होश संभाला तो या तो लंडे के कपड़े पहने या जो भाई ने उतारे वो पहन लिए। और ये वॉलेट तुमने मुझे दिया आज, वरना इससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी, इतने पैसे थे नहीं कभी। मेरी बीवी ने मुझे मेरी जिंदगी का पहला वॉलेट कदर, मुझे लगता है कि मेरी कदर तुमसे ही। वरना मेरी कोई औकात। खाना खाए? हाँ। लो ना। मैं लेती। पर हम मारते हैं क्यों? वहां क्यों नहीं आप? कहां मर गए थे? बेल की बात सुनाई नहीं देती, कान खराब है क्या? सर वो मैं खाना खा गई तो मसला है तुम लोगों का। आधी जिंदगी खाते गुजरती और बाकी की खाने के लिए कमाते। हर वक्त दिमाग पे खाने पीना सवार रहता है ना? या काम करने के पैसे मिलते हैं फारिग बैठकर खाने पीने के? सॉरी सर, माफ करते। सॉरी सॉरी नहीं चाहिए मुझे। एक काम करो, घर जाओ और जाकर बैठकर आराम से खाना खाओ, क्योंकि मेरी कंपनी को और मुझे तुम्हारे जैसे घटिया मुलाजिम की जरूरत नहीं है। सर एक बार माफ कर दे। जाते हैं गार्ड्स को बुलाओ। सर अंदर से गलती नहीं होगी। दफा हो जाए यहाँ से। सर एक चार, सर खुदा के लिए। लंच आवर था यार। बेचारे को मिला। बस कर इस्लाम भाई, हौसला कर रहे हैं, बस कर रहे ना आप, खाना शुरू करें, सब ठीक हो जाएगा। सर सर प्लीज इसे एक मौका और दे दें, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेगा। सॉरी गलती मेरी थी, तुम्हें लंच आवर में बुला रहा था। सर आप सॉरी ना बोले। बात नहीं, अगर इंसान से गलती हो जाए तो सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग सब कंटिन्यू करो, सर प्लीज आप भी हमें ज्वाइन कीजिए ना। ये लीजिए ना, मैं लाया हूं। तुम अचार खाओगे रोटी के साथ? जी सर। सर महीने की आखिरी तारीखों में हम सब ही इसी तरह खींच तान के गुजारा करते हैं। जॉब कर रहे हो यहाँ? सर 7 साल से। शर्म आ रही है मुझे कि मैं ये तक नहीं जान पाया कि तुम जो दिन रात मेरे लिए एक टांग पे खड़े होके काम करते हो, महीने के आखिर में अचार रोटी से गुजारा करता है। आज से पूरे स्टाफ का खाना ऑफिस की तरफ से होगा। जी सर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबसे डिटेल्स लो और मिलकर डिसाइड कर लो कि खाना कहाँ से ऑर्डर करना है। ठीक है? ठीक है सर। सर प्लीज अब तो लीजिए ना। टेस्टी है। मेरी बहन के घर कल रात को दावत थी तो ये उसी दावत का खाना है। उनसे पूछो किस होटल से बनवाया, यहीं से ऑर्डर कर दो यहाँ के लिए भी। सर ये होटल का खाना नहीं है, मेरी बहन की पड़ोस में नई कैटरिंग का काम खुला है तो ये उसी कैटरिंग का खाना है। हाँ। एक काम करो, उनसे मैनेजर की मीटिंग करवा दो और यहाँ के खाने का ऑर्डर भी उन्हीं को दे दो। ठीक है? जी सर। अच्छा अब खाना खा रहे आप? ठीक है। इतनी मुश्किलों से घर का खर्चा चलाता हूँ, ऊपर से बिल। ये क्या तमाशा है अम्मी, कैसे हो गया सब कुछ? मुझे तुम बता दो, कोई समझा दे मुझे क्या हो गया, किस बात का शोर है? पढ़ो ये बिल देखो। घर का खाना जो है वो तो ऑर्डर से ही निकलता है, सिवाय नाश्ते के। खाना तो घर पे नहीं बन रहा तो फिर शोर किस बात का है? हाँ तो उसकी सारी कसर बिलों पे निकल रही है ना, वो तो हमें भरना पड़ेगा। उसका हल निकाल लिए, गैस के सिलेंडर आ रहे हैं, अब इसके बाद इसका इशू नहीं होगा कोई भी। और जहां तक रही बात इस बिल की, ठीक है वो भी भर देते हैं हम, कोई ऐसा मसला नहीं। ₹11,000 भरवा देना कल। आप पीछे रह गई है। मैं भी डर रही थी। एक दिन पिला दो लाके। अभी तो चाय नहीं करना है बस, अभी मैंने खा लिया है। दुरिया क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं। अच्छा इधर आओ, यहाँ पे बैठो आराम से। आंटी इसे कुछ खिलाया पिलाया करें। बेटा अभी मैंने इसके लिए जूस मंगवाया है। बस है आ गया, आओ बेटा। मिडिल क्लास होने के बावजूद भी काफी ब्रॉड माइंडेड है आप लोग। आपके सामने एक जवान जहां लड़का मेरी बीवी को ऐसे थाम रहा है लेकिन सब देख रहे हैं। वासे मुझे चक्कर आ गए थे, अगर वो नहीं पकड़ता तो मैं गिर जाती। अरे चक्कर की टाइमिंग भी फिक्स है ना, चल के आ रही थी तो कुछ नहीं हुआ, उसे देखा तो चक्कर आ गए। अरे बेटा सनी उसके भाइयों जैसा है। भाई सिर्फ सगे होते हैं। ये भाइयों जैसा कुछ नहीं होता। तुम लोग को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, बैठे नजारे देख रहे सब। आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? तेरे लिए छोटी सी बात होगी। तू मेरे सामने कुछ दुरिया, मेरी बेटी दुरिया, दुरिया पानी लेकर आओ, दुरिया आके खोलो, रास्ता दिखा दे या खुदा।